हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा और आज इस वीडियो में हम करेंगे मैथ की प्रश्नावली प्रतिशतता, प्रतिशतता। और आज का जो हमारा टाइप है, टाइप नंबर तीन। और टाइप नंबर जो तीन है उसके अंदर हम करने वाले हैं 3A। इसमें अलग अलग है टाइप 3A और 3B। जो 3A है इसके अंदर एक ट्रिक लगती है, जहां हमें जिन प्रश्नों के अंदर हमें ट्रिक लगानी पड़ेगी, मतलब जिन प्रश्नों में ट्रिक लगती है वहां हम ट्रिक लगाएंगे। और वैसे हर प्रश्न का कंसेप्ट होता है, हर प्रश्न का क्या होता है, कंसेप्ट होता है। और जो ट्रिक वाले सवाल होंगे उनमें कंसेप्ट और ट्रिक दोनों होगी। हर सवाल का कंसेप्ट होता है, जो हम करते हैं पूरे डिटेल से कंसेप्ट है वह, और जिनमें ट्रिक लगती है उनमें ट्रिक और कंसेप्ट हम दोनों करने वाले हैं। तो टाइप नंबर जो तीन है वह ट्रिक से संबंधित है, तो ऐसे प्रश्नों का हम कंसेप्ट भी करेंगे और प्लस ट्रिक भी करेंगे। तो प्रश्न देखते हैं, पहले कौन सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर एक, फर्स्ट प्रश्न है, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो बताओ श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमारे पास ये प्रश्न है, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो बताओ श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इस सवाल के लिए सबसे पहले हम कंसेप्ट करते हैं। कंसेप्ट देखिए, हमें बोल रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो ये राम हो गया और ये श्याम है। तो मान लेते हैं श्याम की आय कितनी है 100 रुपये है, और हमें कह रहे हैं कि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। तो 100 का 20% निकालेंगे, तो 100 का 20% 20 ही होता है। तो राम की आय 20% कम मतलब 80 है। हमें यही करें कि यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय अगर 100 रुपये है तो 100 का 20% 20, तो 20 कम कर दो, 100 में से 20 कम कर दें तो राम की आय हो जाएगी 80। अब हमें क्या कह रहे हैं, अब देखिए दोनों का डिफरेंस जो है 20 रुपये का है, भी राम की आय 20 रुपये कम है और श्याम की आय 20 रुपये ज़्यादा है। हमें कह रहे हैं कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो श्याम की अधिक कितनी है 20 रुपये। अधिक होगा छोटी संख्या से, कम होगा बड़ी संख्या से। तो श्याम की इनकम राम से 20 रुपये अधिक है और हमें प्रतिशत में बताना है, तो 20 अधिक है, अधिक किससे है, 80 से। और प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे, गुणा में सौ। भी हमें पूछा है श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो श्याम की आय अधिक कितनी है, 20 है, और अधिक किससे, छोटी संख्या मतलब 80 से, प्रतिशत लगाना है गुणा में सौ। तो 20 चौके 80, 4 से कर दें 25, तो 25% अधिक है श्याम की आय राम की आय से 25% अधिक है। यह तो हो गया कंसेप्ट, अब करें ट्रिक। तो ऐसे सवालों की हमें पहचान होगी तभी हम ट्रिक लगा पाएंगे। तो टाइप तीन ए के जो सवाल हैं उनके अंदर जो पहचान है, देखिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए पहचान, ट्रिक हम बाद में लगाएंगे। 3A के सवालों की पहचान क्या है, तो पहचान यह है, हमें वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा और कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा, वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा और कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा, ठीक है जी। तो ऐसे जो सवाल होते हैं अपोजिट, वृद्धि दी है तो कमी पूछ रहा है और कमी दे रहा है तो वृद्धि पूछ रहा है, अपोजिट वाले सवाल वह 3A के। इसके अलावा हमारे पास प्रतिशत की जो रकम होगी वह एक ही दी होगी, प्रतिशत की रकम सवाल में एक ही होगी, जैसे इस सवाल में एक ही है 20%। और जो ट्रिक है, जो ट्रिक लगेगी
ट्रिक लगेगी, ए अपॉन 100 प्लस माइनस ए और गुणा में 100। देखिए जो ट्रिक है, ए अपॉन 100 प्लस माइनस ए गुणा में 100। ए जो दी हुई रकम है, अगर 20% कम है तो 100 में से घटा दो, 20% कम का मतलब 80, और अगर 20% ज़्यादा होता तो 100 में जोड़ देते, तो 100 में या तो जुड़ेगा या घटेगा, और प्रतिशत लगाना है तो गुणा में 100। ट्रिक को रट्टा मत मारो, याद हो जाएगी। ए दी हुई रकम है और या तो वो 100 में जुड़ेगी या 100 में से घटेगी। 20% कम है तो 100 में से 20 घटेगा 80, 20% ज़्यादा है 100 में 20 जुड़ेगा 120, और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा में 100। तो अब देखिए पहचान और ट्रिक करके इस सवाल को करते हैं, इस सवाल को करते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो बताओ श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक है। कम दे के ज़्यादा पूछ रहा है, कमी दे के वृद्धि पूछ रहा है, कमी दे के वृद्धि पूछ रहा है। तो ध्यान से इस सवाल को करना है, कमी दे के हमें क्या पूछ रहा है, वृद्धि पूछ रहा है, तो मतलब ये ट्रिक लग सकती है, और प्रतिशत की रकम एक ही है। तो करने का तरीका देखिए, जो रकम दी हुई है वह लिखिए, रकम कितनी दी है 20, भी 20% क्या है कम है, तो 20% कम है तो 100 में से 20 घटा दो 80, 100 में से घटेगी, ज़्यादा होते तो जोड़ देते, और प्रतिशत लगाने के लिए क्या करें 100 से गुणा। देखिए रकम कितनी दी है 20, 20% कम है तो 100 में से 20 गया 80 और इंटू में 100, 20 से कम 20, 20 चौके 80, 4 से काट दें 25, तो 25%। तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक है, 25%। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल करते हैं, देखिए सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन अच्छा पर्सन है, हमें सेकंड पर्सन मान लो ये दिया हुआ है, ए की लंबाई बी की लंबाई से 25% अधिक है, 25% अधिक है, ए की लंबाई बी की लंबाई से 25% अधिक है, तो बताओ बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है। क्या दिया है, ए की लंबाई बी की लंबाई से 25% अधिक है, तो बताओ बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए डायरेक्ट हम ट्रिक से करेंगे, अब ए की लंबाई बी की लंबाई से 25% अधिक है, तो बताओ बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने परसेंट कम है। अधिक देके कम पूछ रहा है, वृद्धि देके कमी पूछ रहा है, वृद्धि देके कमी पूछ रहा है, और प्रतिशत की रकम एक है। तो ट्रिक लगा सकते हैं, और ट्रिक लगाने का सीधा सा तरीका है, रकम कितनी दी है 25, 25% अधिक दी है तो जुड़ेगा, 100 में 25 जोड़ दो 125, और प्रतिशत लगाना है तो गुणा में 100। मतलब ट्रिक को रटा नहीं मारना, सीधा अप्लाई हो रहा है। 25 × 125, 5×2 = 10, कितना आ गया 20% आंसर आ गया, कितना आ गया 20%। मतलब ए की लंबाई बी की लंबाई से 25% अधिक है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई से 20% कम है। ठीक है जी, कंप्लीट। नेक्स्ट सवाल प्रश्न नंबर 3 करते हैं। एक प्रश्न है, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर, चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। ये प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए अब एक चीज़ देखिए, आपका घर का बजट फिक्स है, आपने चीनी पर 500 रुपये लगाने महीने के, तो अगर मार्केट में चीनी का रेट बढ़ गया तो घर पर चीनी क्या आएगी, कम आएगी, और रेट
चीनी का रेट अगर कम हो गया तो घर पर चीनी की आएगी, ज़्यादा आएगी। तो मार्केट में अगर चीनी के भाव में कमी या वृद्धि हो तो आपके घर पर खपत में प्रभाव पड़ेगा। कब पड़ेगा? जब बजट फिक्स हो। तो यहाँ हमें सवाल में ये देखना है भी चीनी के रेट में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो गृहिणी को खपत में कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो वृद्धि देखिए कमी पूछे, वृद्धि देखिए कमी पूछे, तो ये ट्रिक अप्लाई हो सकती है। प्रतिशत की रकम एक ही दिए और वह रकम दिए 10% वृद्धि है, 10% वृद्धि है, तो वृद्धि है तो 110 और गुणा में 100। तो कटिंग करें 0 से 0, 100 में भाग दें 11 का, 11 निम 99 कितना बच गया, एक, जो एक बच गया ऊपर बटा 11, 9 से ही 1/11%, यह आंसर होगा। और आपको एक विकल्प दिया होगा ऐसा 11 से 1/9, तो कुछ बच्चे ये करेंगे जो कि क्या है, गलत है। 11 का भाग दिया 100 में, 11 निम 99 कितना बचा, एक ऊपर जाएगा बटा में 11, कुछ ऐसे करते हैं देखिए, 100 में 11 का भाग 11 निम 99 बचा कितना, एक, एक ये ऊपर जाएगा और ये 11 भाग में आएगा, 9 से 1/11%, यही आंसर होगा। ठीक है जी, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरह के प्रश्न आप कर पाओगे, 3 प्रश्न हमने कर लिए। तो लिखिए प्रश्न है, प्रश्न आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं, हरी की आय मोहन की आय से 25% कम है। हरी की आय मोहन की आय से 25% कम है, तो बताओ मोहन की आय हरी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो फटाफट कीजिए, समझ में आ रहा होगा आपको भी। हमें क्या कहा, हरी की आय मोहन की आय से 25% कम है, तो बताओ मोहन की आय हरी की आय से कितने परसेंट अधिक है। हरी वाली आय मोहन से कम है और मोहन वाली हरी से कितनी अधिक है। कमी देके वर्दी पूछा है, प्रतिशत की रकम एक ही है। तो ट्रिक लगेगी, 25 कम दिए तो 100 में से 25 घटा दो 75, और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा में 100, 25 से कम 25, 25 दिए 75, तो 100 में 3 का भाग दे दीजिए। तो 100 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 3 9 कितना बच गया, 1, 10 हो गया, 3 3 9 कितना बच गया, 1 1/3, 33 ही 1/3%। कई बार ऐसा भी होता है 33.33% भी दिया होता है, तो जो भी हो कर लेना, कोई डाउट। तो एक प्रश्न और करते हैं, ऐसा ही प्रश्न है, फटाफट करके दिखाना। हाँ भी लास्ट प्रश्न नंबर पाँच है, एक वर्त की त्रिज्या में 10% की जगह लिखो आप 20% वृद्धि कर दी जाए। एक वर्त की त्रिज्या में 20% वृद्धि कर दी जाए तो उसकी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, वृद्धि को जाए आप कमी कर लो। अब करो प्रश्न, एक वर्त की त्रिज्या में 20% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो करने की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ मैं बता देता हूँ कुछ बच्चे क्या करने वाले हैं। कुछ बच्चे ये करेंगे, रकम देखेंगे 20% कमी है तो 80 और प्रतिशत लगाना है गुणा में 100, 20 से कम 20, 20 चौके 80, 4 से कटेंगे 25% आंसर निकालेंगे। और जो कि पहला ऑप्शन होगा
और ये बिल्कुल क्या है, गलत है, यह है गलत है। अब गलत क्यों है, देखिए क्योंकि हमने जब ट्रिक लगाई तो हमने बात की थी कि ट्रिक की आपको पहचान होनी चाहिए तभी सवाल हो पाएंगे। सवाल में ट्रिक लगा रहे हो तो पहचान करो। इस प्रश्न में देखिए क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% कमी कर दी जा रही है। तो वृत्त की त्रिज्या में कमी है तो बताओ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो एक चीज़ देखिए, अगर वृत्त है, वृत्त की सारी त्रिज्याएं सेम होती है, त्रिज्या में कमी कर दी, जैसे त्रिज्या कम कर दी, तो खुद देखिए अगर त्रिज्या कम हो रही है तो क्षेत्रफल भी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। त्रिज्या अगर घट रही है तो क्षेत्रफल भी घटेगा और त्रिज्या बढ़ रही है तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए परिवर्तन दोनों तरफ चलता है, कमी को भी बताता है और वृद्धि को भी बताता है कि अगर वृत्त की त्रिज्या घट रही है तो क्षेत्रफल घटेगा और वृत्त की त्रिज्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो बढ़े या घटे परिवर्तन दोनों ओर होता है। तो हमें खुद को समझना है, हमें समझना है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 20% कमी कर दी, कि वृत्त की त्रिज्या में अगर कमी हो रही है तो ऑटोमेटिक क्षेत्रफल में भी क्या होगी, कमी होगी। मतलब कमी दे के कमी पूछ रहे हैं, कमी दे के कमी पूछ रहे हैं। लेकिन ये ट्रिक कब लगती है, ये ट्रिक तो लगती है जब कमी दे के वृद्धि पूछे या वृद्धि दे के कमी पूछे। पर हमें क्या पूछ लिया, कमी दी है और कमी पूछी है, तो क्या ये ट्रिक लग सकती है, क्या ये ट्रिक लग सकती है, नहीं लग सकती, ये ट्रिक नहीं लग सकती। क्योंकि इसमें वृद्धि दे के कमी पूछे और कमी दे के वृद्धि अपोजिट पूछे। लेकिन हमारे सवाल में क्या है, हमारे सवाल में वृत्त की त्रिज्या में 20% कमी की है तो हमें पता है त्रिज्या कम हो रही है तो क्षेत्रफल भी कम होगा। तो हमें ये पूछा कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी, परिवर्तन कमी भी है वृद्धि भी है, जो भी है। तो हमें हमारे सवाल के अकॉर्डिंग लेना है, परिवर्तन कमी के लिए भी आएगा और परिवर्तन वृद्धि के लिए भी आएगा। तो हमें खुद को समझना है सवाल क्या है। तो सवाल ऐसा है, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो कमी दे के कमी पूछ रहे हैं, कमी दे के कमी पूछ रहे हैं, तो यह ट्रिक नहीं लगेगी। तो यही हमें सीखना है कि एक जैसे दिखने वाले सवाल भी अलग अलग होते हैं, हमें पहचान करनी पड़ती है जब ट्रिक लगाते हैं, ठीक है जी। तो इसमें इस सवाल में 3A ट्रिक नहीं लगेगी। तो इसमें हम ट्रिक लगाएंगे जब हम टाइप चौथा करेंगे, तो चौथे में टाइप में ट्रिक आएगी 4A। जब हम टाइप नंबर 4 करेंगे तो वहाँ ट्रिक आएगी 4A। तब इस प्रश्न को हम रिपीट करेंगे, इस वीडियो में हम ये प्रश्न नहीं करने वाले हैं। तब मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करना चाहिए था। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया, ये आपको ये गलती की कि एक जैसे दिखने वाले प्रश्न एक ही ट्रिक से नहीं होंगे। मतलब हमें कहाँ सावधानी रखनी है, हमें सावधानी रखनी है इस पहचान में, पहचान करो फिर ट्रिक अप्लाई करो। तो इस प्रश्न को हम नेक्स्ट टाइप में करेंगे जब हम चौथा टाइप करेंगे और 4A करेंगे। मतलब ये जुड़वा भाई है, दोनों प्रश्न अलग अलग है, एक राम है तो एक श्याम है। तो हमने 4% राम के किए तो 5वां% श्याम का था, जो इस ट्रिक से नहीं होगा, समझ गए। तो इस टाइप में इतना ही, नेक्स्ट टाइप के साथ फिर मुलाकात होगी। हाँ, अगर अगले वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो साथ ही प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करें, ऐप का नाम है SK गुरुकुलम, जो कि करंट अफेयर का है। जल्द ही उसमें अन्य सब्जेक्ट भी ऐड किए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।